श्री राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी बड़े दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, आज मैं जो आपके लिए उपाय लेकर के आया हूँ, इतना दिव्य उपाय है, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। धन इतनी चारों तरफ से धन आएगा, दसों दिशाओं से धन आएगा, जहां से आपने सोचा नहीं होगा वहां से भी धन आएगा। आपके जीवन में कभी धन नहीं था, पर इतना धन आ जाएगा आप उस धन को संभाल नहीं पाएंगे। मतलब धन संबंधी आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, दुर्भाग्य आपका दूर हो जाएगा, गरीबी आपकी दूर हो जाएगी, बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना सुंदर, इतना अलौकिक, इतना अद्भुत, इतना रामबाण उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पर जो भी उपाय करिए, आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो निश्चित ही आपको फल मिलना ही मिलना है। फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता आपको, बिल्कुल फल प्राप्त होगा, बस श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि विश्वास हो फलदायक है। यहाँ विश्वास होता है और फल की प्राप्ति अवश्यमेव होती है। ये आपके हाथ में है कि विश्वास से उपाय करिए निश्चित ही। और आज का जो उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ही दिव्य उपाय, बहुत ही दिव्य उपाय, दिव्यादि दिव्य उपाय है। आप करिए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए, फैमिली वालों को बताइए, सबको बताइए, क्योंकि धन की आवश्यकता सबको है, सबको धन की आवश्यकता है। इसलिए आपका कर्तव्य है सबको बताना। जैसे मेरे द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है तो आप कम से कम 10 लोगों को तो बताएं, ये भी पुण्य का कार्य है। इस अगर आप एक कार्य भी करते हैं तो जीवन में आप पुण्य कमाते हैं। क्या आपने 10 लोगों को बताया, उनमें से 4 को भी, अगर 4 लोगों ने भी उपाय किया, उनको फायदा पहुंचा, तो कितनी दुआएं देंगे आपको, कितनी दुआएं देंगे कि आपके कारण उन्हें फायदा हो गया। इसलिए आप अवश्य करिए। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, क्योंकि कुंडली में धन का स्वामी और आय के स्वामी को भी देखना आवश्यक है। अगर आप जो काम कर रहे हैं, काम से आपको जो आय हो रही है, वो आय लाभ लाभ के स्वामी सही है कि नहीं है। धनेश द्वितीय भाव कुंडली का धन के स्वामी, धनेश यदि गड़बड़ है तो व्यक्ति के जीवन में धन आते नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। धन अगर आपका करोड़ों रुपए, पता चला करोड़ों रुपए आपका चला जाए, कोई लूट के ले जाए आपसे, फ्रॉड हो जाए आपसे, अगर धन के स्वामी पीड़े तो ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, कहीं आपकी कुंडली में तो ऐसे दोष नहीं, कहीं आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, आपके भाग्य स्वामी नीच के हैं, व्यय भाव में गए हुए हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, करे जा रहे हैं मेहनत, करे जा रहे हैं मेहनत, पर मेहनत का लाभ ही नहीं मिल रहा है, करे जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, घिसटे जा रहे हैं। कुंडली दिखवाइए, पता तो करिए भैया कि दिक्कत कहाँ है, दिक्कत आपकी कुंडली में है। इसलिए सभी लोगों का कर्तव्य है कि एक बार जीवन अपनी कुंडली अवश्य दिखवाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, तो कुंडली अवश्य दिखाएं। कुंडली दिखाने के लिए आपको अपनी कुंडली नहीं भेजनी है मुझे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम भेजिए मुझे। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, सेवा राशि जमा करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। फिर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा, आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारे उपाय बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनके पास अपनी डिटेल नहीं है वो अपने बच्चों की डिटेल भेजते हैं, बच्चों की डिटेल से उन्हें बता दिया जाएगा। जिनके पास अपने बच्चों की भी डिटेल नहीं है, परिवार में जिसकी डिटेल पता है वो बता दें, कोई दिक्कत नहीं। और अपनी डिटेल कमेंट में मत लिखा करिए, मैंने बार बार बोला कमेंट बॉक्स में डिटेल मत लिखिए, वहाँ डिटेल लिखने से कोई मतलब नहीं। मुझे व्हाट्सअप करिए अपनी डिटेल, सामने आपके व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सअप करिए, यही तो मेरे नंबर है, तीसरा मेरा कोई नंबर नहीं है। अगर तीसरा नंबर कोई आपको देता है, कहता है महाराज जी का नंबर है, तो आपसे फ्रॉड कर रहा है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आपका अपना चैनल, आप सभी फैमिली के मेंबर्स थोड़े कंजूस हैं चैनल सब्सक्राइब करने में, अरे जल्दी जल्दी करिए चैनल सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है, और लाइक अवश्य करिए। अब देखिए आपको करना क्या है, शुक्रवार वाले दिन आपको उपाय करना है, शुक्रवार की रात्रि में, शुक्रवार की रात्रि में आपको भोजन करने से पहले इस उपाय को करना है। आपको करना क्या है, अष्टगंध चंदन लेना है। अष्टगंध यदि चंदन आपके पास हो तो अधिकतम है, यदि अष्टगंध चंदन ना हो तो एक कटोरी में आप हल्दी ले लीजिए 1 चम्मच, और 1 चम्मच सिंदूर डाल के कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके उसे घोल लीजिए, ठीक है। फिर आपको लेना है 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का लीजिए, और अगर आपके घर में एक लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, वहां मंदिर में बैठ के आपको प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। कटोरी रख दी, अष्टगंध चंदन है तो अष्टगंध चंदन डाल दी, अष्टगंध चंदन नहीं है तो 1 चम्मच रोली और हल्दी डाल करके आपको उसको मिक्स कर देना, थोड़ा पानी डाल करके उसके ऊपर आपको रख देना है 10 रुपए का सिक्का। 10 रुपए का सिक्का रखने का आपको एक दीपक प्रकट करना है, का दीपक प्रकट करने के बाद लाल बाती का दीपक होना चाहिए, ध्यान रखिए। शुक्रवार का जो दिन है वो धन बिल्कुल लग्जरियस है, शुक्र ग्रह जो है ना लग्जरियस देता है, जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा उसको सब कुछ प्राप्त होता है, जिसके ग्रह में शुक्र ग्रह खराब उसे ना स्त्री सुख मिलता है, ना सांसारिक सुख मिलता है, कोई सुख नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सुनों का मैंने देखा कि विवाह हो गया फिर भी स्त्री सुख प्राप्त नहीं हो पाता, सब कुछ होने के बाद ही वो सुख नहीं भोग पाते, क्यों, शुक्र ग्रह पीड़ित है। इसलिए होने के बाद भी उस चीज को ना भोग पाना इस शुक्र ग्रह पीड़ित होने के कारण होता है। तो लाल बाती का आपको दीपक प्रकट करना है, दीपक प्रकट करने के बाद आपको
कटोरी के ऊपर ऐसे दीपक, सिक्के के ऊपर ऐसे दीपक रखना है बिल्कुल, जो सिक्का आपने कटोरी के अंदर रखा है उसी सिक्के के ऊपर आपको दीपक को रख देना है। दीपक रखने के बाद आपको दीपक प्रकट कर देना है और लक्ष्मी जी के सामने आपको जला देना है। दीपक को जलते रहना देने दीजिए, जब तक दीपक जलता है जलते रहने दीजिए। और लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाइए, बना करके भोग में खीर का भोग लगाइए और एक लाल पुष्प अवश्य चढ़ाइए लक्ष्मी जी को। और जो भी आपको लक्ष्मी मंत्र आता हो वो लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए या फिर एक श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। ओम हृण्यवर्णामर्णिम स्वर्ण रजतश्रजाम चंद्रामरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावहा, ये पूरा श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, नहीं तो सुन लीजिए। ये आपने कर लिया, दीपक जलने दीजिए। इसके बाद रात को सोते समय उस कटोरी को उठा करके लाना, जहां आप सोते हैं अपने सिरहाने रख लीजिए उस कटोरी को। 21 बार उसारने के बाद ये ध्यान रखिएगा, आप वो कटोरी रखनी तो 21 बार पहले अपने सिर से उसार देना। 21 बार उसारने के बाद आपको कटोरी अपने सिर के पास बगल में रख लेनी है और सो जाना है। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद अपना नहा धो लीजिए, जो भी आपका नित्य कर्म है वो करने के बाद, नहा धोने के बाद आपको दीपक लेना है, दीपक के ऊपर सिक्का रख लेना है और सिक्के के ऊपर एक चम्मच शक्कर रख लेनी है। दीपक जो आपने जलाया था वो दीपक के ऊपर सिक्का रख लेना है, सिक्के के ऊपर एक चम्मच शक्कर रख लेनी है और ले जाकर पीपल के पेड़ में, कहीं पीपल के पेड़ के बगल में कहीं गड्ढा खोद करके उसे गाड़ देना है। बस आपको ये प्रयोग करना है। ये प्रयोग यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही आपको जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी, इतना धन आया कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस प्रयोग को यदि आपने 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार लगातार कर लिया तो आपके धन की संबंधी समस्या जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। इतना अद्भुत प्रयोग है, इतना अद्भुत उपाय है, ये आप सभी लोग अवश्य करिए और अपने जितने भी जानने वाले सबको अवश्य शेयर करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने बार बार बोला कि आप अकेले नहीं है, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, आपका हमारा संबंध जीवन भर का है। कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे तुरंत बताइए, मैसेज करिए, कॉल करिए। शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं, आप सभी लोगों के साथ स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।